सागर में रहस्यों से भरे कई स्थान हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां देवताओं का दरबार लगता है। वहां से मधुर संगीत सुनाई देती है। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने यहां पर अद्भुत प्रकाश भी देखा है। इस चमत्कारिक नदी का नाम गंधर्वी है। लोगों का मानना है कि इस नदी में गंधर्वी शक्तियां आज भी मौजूद है। सेंट थॉमस कॉन्वेंट सिन्नेर सेकेंडरी स्कूल राहतगढ़ में अनुभवी प्रशिक्षित अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षकों की तलाश है। सेंड योर सीवी बाय 10 मार्च। ढाना से गंधेरी नदी का उद्गम होता है। गंधर्वी ही अपभ्रंश होकर गधेरी बन गई है। 30 किलोमीटर तक बहने पर गढ़ा कोटा के पास सुनार नदी में संगम हो जाता है। बड़ी बड़ी चट्टानों को काटते हुए भीषण जंगल के बीच से निकली यह नदी हजारों साल के इतिहास की गवाह है। हजारों साल पुरानी आप चांद की गुफाएं इसी नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ कई लोगों ने इन गंधर्वी शक्तियों को महसूस किया है। अंधेरा होने से पहले ही लोग यहां से वापस लौट आते हैं। चढ़ती दोपहर में भी इस इलाके में जाने की मनाही रहती है। यहीं पर थोड़ी दूर में प्राचीन सिद्ध हनुमान पीठ है, जिसके महामंडलेश्वर श्री 1008 रामाधार जी महाराज बताते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे और अपने गुरु के साथ कंदराओं में रहते थे, तो हमारे महाराज जी अक्सर नदी के उस पार जाने से रोकते थे, तो हमारे मन में कौतूहल रहता था कि वहां क्यों नहीं जा सकते। एक बार महाराज जी रात में सो रहे थे और मैं धीरे से उठकर निकल गया। कुछ दूरी पर जाने के बाद नदी से मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। ऐसा संगीत और कहीं नहीं सुना। ढोलक, थाप, मृदंग, घुंघरू की आवाज में आ रही थी, जिसे मैंने कुछ देर तक सुना और फिर अचानक नदी के बीचों बीच एक अद्भुत तेज प्रकाश दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं डर गया और तुरंत भाग आया। महाराज जी को बताया तो उन्होंने कहा, यह गंधर्वी शक्तियां हैं। गंधर्व देवराज इंद्र की सभा में शास्त्रीय संगीत कर राग जमाते हैं। इन शक्तियों की वजह से लोग पागल हो जाते हैं। मृत्यु भी हो सकती है या कोई और नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए अब वहां नहीं जाना चाहिए। इसके बाद मैंने कभी भी रात में वहां जाने का दुस्साहस नहीं किया, लेकिन आज भी वह मधुर संगीत रात में या सनाके की दोपहर में यहां पर कभी कभी सुनाई देता है। हाँ, रहस्यमय है जिसका हमने अनुभव किया है इसका, और ये ढाने से इसका उद्गम है। ढाने में बिल्कुल छोटी सी है और ढाने से करीब 30-32 किलोमीटर आगे गढ़ा कोटा मर्दन सिंह का जो किला है उस किले के नीचे सुनार में मिल गई, आगे जिसका नाम सोनभद्र पड़ गया। तो इसका शुद्ध नाम तो है गंधर्वी, लेकिन अपभ्रंश शब्द इसका गधेरी बन गया। शुद्ध नाम है इसका, हमने लेख भी देखा है और चंदेलों का किला, वहाँ एक पत्थर पड़ा था उसमें लिखा था गंधर्वी के तीर। अब आगे पीछे वाला वो टूट गया पत्थर, तो गंधर्वी के तीर वाला पत्थर मिला था, तो गंधर्वी नाम है इसका। इसमें गंधर्वी विद्याएँ हैं, गंधर्वी कला है और गंधर्वों के चिन्ह भी हैं। यहाँ पे ऐसे चिन्ह हैं, कोई तीन लोग मछली मारने आए थे, नीचे कुंड है, वहाँ खजाना है बहुत बड़ा, तो खजाने के चक्कर में आए थे वो, तो रात में खोदा खाजी करके वो सो गए। तो एक आदमी आया बहुत ऊंचा, पूरा करीब 20-25 फीट का ऊंचा, सफ़ेद कपड़ा पहने, ऐसा उनका परिक्रमा लगाया और आगे चला गया। तो कोई पत्ती वत्ती तोड़ के वो पत्थर से उसको बांटने लगा। उनमें से एक आदमी जग रहा था, वो बोला, एक आदमी आया था बहुत ऊंचा पूरा, फिर वो सुबह वो तुरंत उठ के वहाँ से भाग गए। फिर सुबह फिर आए वो लोग, तो उनने जिस पत्थर पे वो पत्ते बांट रहा था वो आदमी, वो पत्थर आज भी रखा है, चिपका है, निकलता नहीं है। और इतना बड़ा पत्थर 10 लोगों से भी नहीं उठेगा। मैंने खुद अपनी आँखों कानों से संगीत सुना है इसका। हमारे महाराज जी ने मना किया था, बेटा रात में कभी नदी में नीचे ऊपर नहीं जाना। हम एक दिन चले गए तो हमने ये कि ऐसा अद्वितीय संगीत सुना है कि जो कभी भारत में किसी के द्वारा गाया भी नहीं गया। ऐसा संगीत, ऐसे वाद्यंत्र, ऐसे विचित्र टाइप के वाद्यंत्र जो कभी देखे नहीं, और ऐसा संगीत जो कभी सुना नहीं। तो हमने आँखों और प्रकाश देखा है वहाँ उन लोगों का रात में, हाँ करीब 1:30 बजे रात में। तो थोड़ा हमको कुछ डर भी लगा कि महाराज जी ने मना किया था मत जाना, तो हम चुपचाप फिर वहाँ से उठ के चले गए। तो और भी आपने कहा कि इसके बाद भी कभी कभी आपको ये आवाज़ सुनाई? हाँ, आवाज़ तो सुनाई देती है, वो कभी कभार सुनाई देती है। 1:30 बजे रात में कभी हरे राम का संकीर्तन सुनाई पड़ता है,
कभी ढोल की आवाज सुनाई पड़ती है, नीचे सुनाई पड़ती है। सेंट थॉमस कॉन्वेंट सेनियर सेकेंडरी स्कूल राहतगढ़ में अनुभवी प्रशिक्षित अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षकों की तलाश है। सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिकल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स। सेंड योर सीवी बाय 10 मार्च 9424328526263174580 या ईमेल करें सेंट थॉमस स्कूल @gmail.com।